जिला बिलासपुर के घुमारवी बस स्टैंड की सुरक्षा व्यवस्था काफी समय से राम भरोसे चल रही है। घुमारवी बस स्टैंड को शुरू हुए करीब 30 वर्षों से अधिक का समय हो गया है, मगर सुरक्षा की दृष्टि से आज तक बस स्टैंड में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बस स्टैंड पर अक्सर चोरी, लूटपाट और झगड़े की घटनाएं सामने आती है। बावजूद इसके विभाग द्वारा आज तक यहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। घुमारवी बस अड्डे पर हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला, मंडी सहित कई जिलों से सरकारी और प्राइवेट बसें इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चलती हैं, जिसके चलते बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही भी अधिक रहती है। पट्टा घुमारवी के उप प्रधान मनोज कुमार का कहना है कि बस अड्डे में आए दिन चोरी और झगड़ों के मामले सामने आते हैं। ऐसे में सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण पुलिस प्रशासन को भी आरोपी को पकड़ने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो अपने बस स्टैंड है इस पर जल्दी से जल्दी जो है वो कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन आपराधिक मामले, जैसे कोई चिट्टा बेचने वाले हैं या कोई जो भी यानी कि आपराधिक मामले हैं, उनमें ग्राफ दिन पर दिन बढ़ रहा है। अगर कैमरे होंगे तो उसमें पुलिस को भी सहायता मिलेगी, बहुत जल्दी सहायता मिलेगी पकड़ने में। और कई ऐसे केस हैं जो पिछले 1-2 सालों से चले हुए हैं, जो पुलिस में जिनमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई है। तो इस करके मेरी पुलिस से मांग रहेगी, प्रशासन से भी मांग रहेगी कि वो अपने इस पे तौर पे जल्दी से जल्दी जो वो कैमरे लगवाए जाएं। वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि यात्रियों और महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही चोरी व नशे के मामलों पर रोक लगाने के लिए बस अड्डे सहित आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, ताकि पुलिस को भी आरोपियों को पकड़ने में आसानी हो। साथ ही यहां पर घूमने वाले असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों की पहचान भी हो सके। 12 साल हो गए यहाँ पे शॉप करते हुए, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कैमरे की बहुत ही सख्त जरूरत है। इसका कारण यह है कि यहाँ पे कोई लड़कियों की आवाजाही बहुत रहती है, मतलब पूरी पब्लिक होती है, कोई किसी को छेड़ रहा है तो पता नहीं चलता पुलिस वालों को कौन कौन है कौन नहीं है। चोरियाँ तो समझो भी हर महीने में कोई ना कोई चोरी होती रहती है। तो अब जैसे 4 लेन बन गया है तो हमीरपुर से सारे डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियाँ आती हैं और जैसे 4 लेन होकर जाती हैं, तो मतलब कैमरे की इतनी सख्त जरूरत है कि पता नहीं चलता कि कौन क्या हो गया। तो अगर कैमरे लगा दे कोई, मतलब जैसे अपने जिसके अंडर रहता है मतलब सिस्टम कैमरे का, तो अगर लग जाए तो लोगों को इस परेशानी से जो है मुक्ति मिलेगी। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ कैमरे बहुत जरूरी हैं। वहीं परिवहन निगम बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक विवेक लखनपाल ने कहा कि लोगों की मांग से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाना प्रस्तावित है, जिसको लेकर HRTC की ओर से उन्हें NOC जारी कर दी गई है। घुमारवी बस स्टैंड का मामला हमारे भी संज्ञान में है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए, और इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारियों के साथ वार्तालाप भी किया और उनको लिखित रूप में भी बताया है। परंतु फिलहाल HRTC जो अपने जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के बस स्टैंड है वहाँ पर सीसी कैमरा लगवा रही है, और उसमें के तहत बिलासपुर में कैमरे लग भी चुके हैं। आने वाले समय में जब सी और डी कैटेगरी के बस स्टैंड का मामला आएगा सामने, तो घुमारवी में वर्ष लगेगा, क्योंकि घुमारवी का बस स्टैंड जो है वो सी कैटेगरी में आता है, और प्रशासन ने भी चाहा था कि यहाँ पर लगे, तो इसी के संदर्भ में पुलिस के द्वारा यहाँ पर शायद कैमरा लगाए जाने प्रस्तावित है, और उसके लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी NOC भी दे दी है। यदि वो कैमरा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित रूप से प्रदेश के बस अड्डों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसे लेकर न केवल HRTC को बल्कि पुलिस प्रशासन को भी गंभीरता से कदम उठाने होंगे, ताकि सभी बस अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। DG News के लिए बिलासपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।